पिछले दिनों हरिद्वार में संत शिरोमणि रविदास की मूर्ति खंडित किए जाने से नाराज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण आज अपने काफिले सहित हरिद्वार पहुंचने की तैयारी कर रहे थे, तभी भारी पुलिस प्रशासन के द्वारा मंडावर चेक पोस्ट पर उन्हें रोक दिया गया। काफ़ी गहमा गहमी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण और एसपी देहात स्वपन किशोर के बीच में हुई। इसके बाद अधिकारियों के आश्वासन के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण माने और एक दल को अधिकारियों के द्वारा आमंत्रित किया गया। एसपी देहात की अगर माने तो पूरी जानकारी आला अधिकारी को दी जाएगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण अधिकारियों के इस आश्वासन पर अपने काफिले सहित वापस लौटे। यहाँ जो जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने जो है अधीक्षक, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप लोग आ जाइए, पिछले 5 दिनों से वो खंडित मूर्ति ज्ञापन के बाद भी वहीं रखी हुई है, ना तो उसको वहाँ से बदला गया ना ही उसको वहाँ से हटाया गया। तो एक तरह से 30 करोड़ संक्रमण महाराज जी का अपमान किया जा रहा है, मान सम्मान का मामला है, इसमें राजनीति नहीं मैं चाहता। अगर ये लोग राजनीति करवाना चाहेंगे तो इनकी औकात नहीं कि एक दिन के लिए भी जिला खेल पाएंगे, इतने लोग यहाँ रहते हैं, एक कॉल पे जो है जिला पूरा बंद हो जाएगा और ये अपना काम छोड़ के जो है जनता की सेवा कर रहे होंगे। तो सर पालन कर रहा हूँ, उम्मीद है कि कोई एफआईआर हल निकलेगा। आज यहाँ पूर्व में उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था उस ज्ञापन के संबंध में हुई कार्रवाई की जानकारी लेने आए थे, प्रशासन के द्वारा एसडीएम भगवान सिंह महोदय के द्वारा उनको अवगत कराया गया, दोनों पक्षों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ और कुछ बातों पर सहमति बनी है, जिसके क्रम में संवाद का ये क्रम आगे भी चलने की बात बताई गई है। तो अलग अलग स्तरों पर इनकी भावनाओं से उच्च स्तर पर लोगों उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और जो भी विहित प्रक्रिया के अनुसरण के उपरांत जो परिणाम होंगे वो सभी सभी सर्व संबंधित को मान्य होंगे, ऐसी प्रतिबद्धता सभी संबंधित पक्षों द्वारा व्यक्त की।